बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं जी कि आजकल गर्मी बहुत है और वेजिटेबल भी इसी तरह की है, भिंडी, करेले, बैंगन, कद्दू, टींडे, और इसके अलावा तो और सब्जियां इतनी अच्छी नहीं हैं। तो बेल तोरी है, कद्दू है, इसी तरह। तो जैसे हमारी फैमिली, हमारी कास्ट, इसी तरह बहन भाई सारे होते हैं, सारे मुसलमान भाई हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि सबको जोड़ के रखें, किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो वो इग्नोर करें। और ज़िंदगी में यही एक चीज़ है, मोहब्बत, प्यार, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। छोटी छोटी बातों को आप दिल पे नहीं लें। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो तब रिश्तों के तकद्दस का पता चलता है कि हम क्या थे और क्या हो गया हमारे साथ। तो मैं इसीलिए आपको एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि ये हमारे पास भिंडी है, ये टींडे हैं, ये बैंगन है। और बैंगन में देखो, मैंने अभी काटे हैं, इसमें कितना आयरन है जो हमारी सेहत के लिए भी ठीक है, लेकिन ये ब्लैक हो चुके हैं। तो इनको हमने कैसे बनाना है, रिश्तों को कैसे जोड़ना है? आलू बैंगन का रिश्ता है, टिंडे गोश्त का रिश्ता है, और भिंडी प्याज का रिश्ता है। लेकिन भिंडी हम चिकन में भी ऐड कर लेते हैं, और मटन में भी, बीफ में भी, इसी तरह टिंडे भी इसी तरह करते हैं। तो आज हम इन तीनों को क्यों नहीं जोड़ सकते? जैसे हम सब्जियों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम रिश्तों को भी जोड़ के रखें। क्यों हम इनको तबाह करते हैं और दूरियां हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं? तो प्लीज़ आप इस तरह जो भी, जिसका जोड़ नहीं भी है उसका भी जोड़ बना दें, उनको जोड़ें, तोड़ें नहीं। ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। तो चलते हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि ये मेरे पास मिर्ची हैं, नमक है, थोड़ा थोड़ा नमक इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। और उसके बाद मैं इनके ऊपर हल्की सी मिर्ची भी शामिल कर देती हूँ, ताकि अगर ये गुस्से में हैं तो और ज़्यादा इनको गुस्सा आ जाए, तड़प जाएं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलना चाहते, लेकिन हमने उनको जोड़ना है। अगर उनको कोई टेंशन है, बात करते हैं तो वो तड़पते हैं, चुपते हैं कि हाँ भी हमें क्यों ऐसा आपने कहा, क्यों ये हो गया, क्यों वो हो गया। तो ये नमक मिर्ची जो है ना, ये चुभन का काम करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि एक मैंने ये पतीली ली है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो आप मैं इसमें डाल दूँगी टींडे। चलें जी, टींडा साफ हो गए हैं, गर्म गर्म टींडे, और ये आप थोड़े से तड़पेंगे। मिर्ची नमक इनके ऊपर लगा हुआ है और परेशान है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जिन रिश्तों को ये पसंद नहीं करते, उनके साथ इनको जोड़ेंगे आज हम। तो टींडे, भिंडी, करेले, बैंगन सबको आते हैं बनाने, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जोड़ना कहते हैं ये मैं आपको बता दूँ। इनको जोड़ के रखें, तोड़ेंगे, इनका मील बनाएं कि किस तरह आपने इनको खाना है। दोस्तों, टींडे हमारे फ्राई हो गए हैं, काफ़ी नमक मिर्च लग के करते हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम दूसरी जो सब्जी है हमारी, उसको हम फ्राई करें इसी तरह। वो कौन सी सब्जी है हमारी? बैंगन। ये देखेंगे, अब बैंगन रख देंगे जरा नमक मिर्चों के साथ, इनको थोड़ा सा तड़पा देते हैं। तड़पाने के बाद फिर हम
इसको निकाल लेंगे। फ्राई हमने थोड़े थोड़े करने हैं ताकि उनका दिमाग सेट हो जाए। उनका दिमाग जब तक सेट नहीं होता तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए इनको थोड़ा सा समझाना है कि कैसे आपने एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना है। दोस्तों ये देखें बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं तड़प तड़प के। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें निकाल के उसके बाद फिर हम भिंडी को शामिल कर देंगे। भिंडी को तो वैसे भी हम इसी तरह तड़पाते रहते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के बाद भिंडी को बीच में शामिल कर देते हैं प्याज के और भिंडी बड़ी मुस्कुराती हुई पकती रहती है। फिर हम मोश फरमाते हैं। इसी तरह आज हमने इसको बताया है कि आपने कैसे जुड़ के रहना है। ये देखिए अब भिंडी जा चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और अच्छे से, क्योंकि पहले हम नमक मिर्च नहीं लगाते इनको तड़पाते नहीं हैं। तो यही इंसान का मुद्दा है कि जो सच पे बात करता है तो दूसरे को फिर वो क्यों बात कर दी जाती है। तो बर्दाश्त करें, जो भी बात है बर्दाश्त करें आप और मिल के रहें, रिश्तों को जोड़ें, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करें। तो मिर्च मसाले सब्जी वही होती है तो वो पकती भी एक तरीके से ही है, पकाने का तरीका भी ये है कि नमक मिर्च मसालों के बगैर तो चल कोई सब्जी नहीं बनती, कोई सालन नहीं बनता। इसी तरह सबका ब्रेन एक जैसा है लेकिन सोच मुख्तलिफ होती है, सबको जोड़े तोड़े नहीं। लो जी दोस्तों भिंडी भी साड़ी तरफ के ना सेट हो गई है। हूँ असी भिंडिया के नाल बेंगलों के नाल बैठा दिने, कोई गलत फहमियाँ इन्हों दिया है तो निकल जाए। तो असी भी इस तो बाद जो आम प्याज पाई दे मसाला बनाईदा, असी प्याज में उन्नी देर असी फ्राई कर लें तो इन्हों असी बिठा दें कि हाँ भी तुम जरा कर देखो कि तुम एक दूसरे के नाल मिल के चल सकते हो। चलो जी हूँ असी प्याज पा दें, प्याज को हम असी फ्राई कर लें। उस तो बाद फिर देखियो जेड़े जेड़े मसाले असी पाने कि असी फ्राई करने और कि मसाले पाने, ये तो सू पता है कि मसाले एक जैसे ही होंगे और इन मसालों के नाल सालन बन जाता। अब हमारा प्याज हो गया है लाइट ब्राउन, तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फैलाएंगे। अब हम वो ही टमाटर और मिर्ची हैं जो कुटी हुई हैं मैंने ब्लेंड की थी तो वो हम डाल देंगे। दोस्तों देखा मसाले वो ही जा रहे हैं ना, इसी तरह सब्जी इसी तरह बनती है, मिर्चे इसी तरह बनते हैं। ये देखें अब हमने टमाटर और मिर्चे भी डाल दी हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे और मसाले भी वो ही हैं। ये देखें हल्दी है कूटा हुआ, खुशक धनिया है और जीरा है, नमक है, लाल मिर्चे हैं और जी एक सब्जी मसाला है। अब हम शामिल कर देंगे, देखा ना वही मसाले हैं। बस इनको प्यार से कैसे हमने बनाना ये तरीका आना चाहिए। ये देखिए और इधर ये गपशप लगा रहे हैं टीने और भिंडी बैंगन कि हमने कैसे मिल के रहना। थोड़ा सा इनकी मीटिंग होने दो फिर इनको हम इकट्ठा करते हैं। लो जी दोस्तों अब हम ये तीनों की मीटिंग हो गई है, अब हम इनको इसके अंदर शामिल कर देते हैं और देखें आप कि अब इनका मेल जोड़ कैसा होता है। इनको हमने इकट्ठा कर दिया है कि जुड़ के रहें। ये देखिए
ये है टिंडे, भिंडी, बैंगन। अब हम इनको इकट्ठा करके हिला के तो दम पे लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे और उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों, आप देखिए ये कैसा लग रहा है इनका मेल जोल। अब हमने ये सोचा कि विटामिन सी भी इनके अंदर जाना चाहिए, विटामिन सी क्यों पीछे रह जाए। एक अदर हम लेमन इनके ऊपर निचोड़ देंगे, उसका जूस इनके अंदर जाएगा ताकि इनकी जो विटामिन सी है वो जाए और ये कुछ फ्रेश रही, अच्छा सोती। ये देखिए क्योंकि आजकल लेमन बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं तो मैंने कहा कि इनके ऊपर भी डाल देते हैं। और ये जी हम रेड रेड टमाटर इनके ऊपर डाल देंगे और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके बाद हम ये देखें सब्ज मिर्ची, ये क्यों पीछे रह जाए, ये मिर्ची हम डाल देंगे। इनको भी इनका साथ देना चाहिए ताकि ये अच्छे से बन जाए। चलें जी अब हम इसको देते हैं दम, दम लगा दिया है। ले जी कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से मेल जोल इनका। और ये देखिए कितना प्यारा इनका कॉम्बिनेशन हुआ है, हम सब्जियों को कैसे जोड़ के और मिक्स करके खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, ये देखें धनिया डाल दिया है और ग्रीन ग्रीन माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज ये जो वेजिटेबल बनी है ये एक मैसेज है, आप मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का ख्याल करें। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो तब बाद में पछतावा होता है, तो मिलजुल के रहें, रिश्तों को जोड़ें, रिश्तों की कदर करें आप सब, और जो भी एक दूसरे से नाराज है सबके साथ सुलह करें, मिले जुले, और कभी किसी को ये ना कहें कि वो मिडिल क्लास है वो हाई है, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो आप मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, तो ज़िंदगी इसी का नाम है मिलजुल के रहना, एक दूसरे का ख्याल करें, जिसको ज़रूरत है रिश्तों की उसके साथ मिल के बैठे, जो थोड़ा सा भी वीक है उस बहन भाई के साथ जुड़ के बैठे ताकि उसकी ताकत बन जाए। तो मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए राशिदा अख्तर को आप हमेशा याद रखना और दुआ में याद रखना। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।